दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जिसकी आज के टाइम में मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है और उससे रिलेटेड काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनका आप प्रोफेशनली यूज़ करके एक अच्छा करियर सेट कर सकते हैं, एक प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी जॉब आप पा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को कर दीजिए अब इसे लाइक और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही जेन्युइन और हेल्पफुल वीडियोज आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो जानकारी के लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर का नाम है डीटीपी सॉफ्टवेयर्स। जी हाँ दोस्तों, डीटीपी सॉफ्टवेयर का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर और उसके अंदर एक ग्रुप होता है सॉफ्टवेयर का, जैसे कि एमएस ऑफिस के अंदर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस या काफ़ी सारे ऐसे 18 से 22 प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वैसे ही डीटीपी के अंदर मुख्यतः तीन प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर फर्स्ट है पेज मेकर, सेकेंड है आपका फोटोशॉप और थर्ड नंबर पे है कोरल ड्रा। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम सभी सॉफ्टवेयर के बारे में डीपली चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पेज मेकर के बारे में। पेज मेकर दोस्तों एक ऐसा छोटा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर वैसे तो 1985 के अंदर सबसे फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था जिसका पूरा नाम एडोब पेज मेकर है। वैसे इसके मार्केट में काफ़ी सारे अलग अलग वर्जन आ चुके हैं जिसके अंदर अभी लेटेस्ट जो इसका वर्जन है वो 7.0 है, जिसके अंदर हम इजीली ऑप्शंस का यूज़ करके एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन या परफॉर्मा हम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों पेज मेकर का वैसे तो काफ़ी जगह अलग अलग यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैरिज इन्विटेशन कार्ड क्रिएट करने के लिए, विजिटिंग कार्ड क्रिएट करने के लिए, टेबल चार्ट क्रिएट करने के लिए, या आप अलग अलग डिज़ाइन के परफॉर्मा और टाइपिंग मैटर्स के लिए। लेकिन मुख्यतः जो पेज मेकर का काम है वो है बुक्स प्रिंटिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जो भी बुक्स रीड करते हैं मोस्टली पेज मेकर के अंदर टाइप करते हैं, क्योंकि पेज मेकर के अंदर ऐसा अपने को एनवायरनमेंट या ऐसे सॉफ्टवेयर या टूल किट प्रोवाइड की जाती है जिससे कि हम बुक से रिलेटेड सारा डेटा एक तरीके से सही परफॉर्मा के अंदर सेट कर सकते हैं, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर काफ़ी सारी एडिटिंग हम कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट मैथ साइंस, इनके अंदर काफ़ी सारे डेटा क्रिटिकल होते हैं जिसके अंदर मैथ इक्वेशन के सिंबल्स होते हैं, अलग अलग लोगो होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन होती है, तो वो सारी चीज़ें हम आसानी से पेज मेकर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। पेज मेकर के अंदर हम डीपली जानने के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे जिससे कि हर एक ऑप्शन हमारा क्लियर हो और सही तरीके से काम करके हम इसके अंदर एक अच्छा परफॉर्मा या अच्छी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से क्रिएट कर पाए। तो इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट पे जाते हैं और उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने पेज मेकर को ओपन कर लिया। ओपन करते ये डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें हमें कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती है, जैसे हमें पेज सेलेक्ट करना है कि A4 में काम करना है, लीगल में करना है, कौन से में, तो हमने A4 ले लिया। उसके बाद ये डबल साइडेड वाला टिक है, इसको हम नेक्स्ट आगे वाले स्टेप में देखेंगे। उसके बाद आपको पेज की मार्जिन सेट करनी है, यहाँ पर हम 0.5 और 1 इंच यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि स्पेसिंग है पेज के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की स्पेसिंग है दोस्तों। इसके बाद हमारा पेज मेकर इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसका होम पेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर जो ये बॉर्डर बना हुआ है ये हमारा वर्किंग एरिया यानी यहाँ पे जो काम करेंगे वो हमारा प्रिंटिंग में आएगा डेटा, वही हमारा डेटा सेव होगा और इसी के अंदर हमें सही तरीके से काम करके हमारा डेटा सेव करना होता है। ऊपर आप देख सकते हैं टाइटल बार और मेन्यू बार है। मेन्यू बार में वही ऑप्शन है जो हर सॉफ्टवेयर में मोस्टली होता है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, एलिमेंट्स या विंडो हेल्प। उसके नीचे जस्ट होती है रूलर बार जो कि लाइनिंग है, इस तरीके से सीधी लाइन खिंच जाती है जिससे हम सेंटेंस की सिक्वेंस देख सकें कि दोनों सिक्वेंस सेम आ रही है, सही आ रही है क्या। और इस रूलर बार के जस्ट नीचे आता है ये टूल बॉक्स दोस्तों। टूल बॉक्स दोस्तों काफ़ी यूजफुल बॉक्स है जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, जैसे पॉइंटर टूल है वो हमारे पेज को सेलेक्ट करने के लिए, इमेज को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बगल में टेक्स्ट टूल है वो हमें कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करो और कर्सर ले जाके वहाँ पर कोई भी डेटा या टाइप यहाँ पर ईजिली हम कर सकते हैं। उसके नीचे आपको क्रॉप टूल मिलेगा जो कोई भी फोटो को क्रॉप करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट या पेज को क्रॉप करने के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके नीचे अलग अलग ऑप्शन है जिसके अंदर लाइन हम खींच सकते हैं या फिर हम स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स बना सकते हैं, इनके अंदर कोई डेटा टाइप कर सकते हैं, जैसी भी हमारी जरूरत हो उसके हिसाब से हम यहाँ पे टूल बॉक्स से ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर पेज को मूव करना है लेफ्ट राइट तो आप यहाँ पे ये हैंड वाला ऑप्शन यूज करके इसको मूव कर सकते हैं, या अगर पेज को जूम करना है तो आप दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस के साथ पेज को जूम कर सकते हैं,
वापस कंट्रोल के साथ जीरो दबाएंगे तो आपका नॉर्मल पेज साइज के अंदर पेज आ जाएगा। इसको आप यहाँ से पूरा व्यू यानी एक पेज को पूरे एक साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा या नया पेज ऐड करने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज लेनी है ऑल्ट एल आई। जैसे ऑल्ट एल आई दबाएंगे आपके सामने इंसर्ट पेज का ऑप्शन आएगा, कितने पेज चाहिए एंटर करो उतने पेज आपके सामने यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। हमने 5 वहाँ पे ऐड किए थे तो देखो 5 पेज ऐड हो गए, लेकिन पहला पेज आपको एक साथ दिख रहा है, दूसरा और तीसरा जो पेज है वो आपको बराबर में दोनों एक साथ दिख रहे हैं, और चौथा पाँचवा भी ऐसे ही बराबर में दिख रहे हैं। इसको चेंज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना, उसके बाद जो डबल साइडेड वाला ऑप्शन था उसको टिक हटा देना। जैसे टिक हटाएंगे आपके सिंगल सिंगल पेज आ जाएंगे, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इस ऑप्शन के बारे में आपको नहीं बताया था। तो कंट्रोल शिफ्ट पी से आप पेज को एक साथ दो पेज भी देख सकते हैं, एक साथ एक पेज भी देख सकते हैं। और फाइल मेन्यू में जाके हम रिसेंट पे जाएंगे, जिससे कि पुरानी पेज मेकर की फाइलें हम यहाँ से देख सकते हैं। तो एक पुरानी फाइल हम यहाँ से ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये पुरानी फाइल हमने इसमें बना रखी है पेज मेकर की, जिसमें ऊपर ABC करियर इंस्टीट्यूट की हेडिंग आई हुई है और नीचे हमने इसमें क्वेश्चन पेपर बना रखा है, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर उनके ऑब्जेक्टिव टाइप है। इनको देखो दो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर रखा है, यानी एक सिक्वेंस में एक क्वेश्चन चल रहा है, फिर दूसरा कॉलम है वहाँ पर दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ पर देख सकते हो मैथ के इक्वेशन भी यूज किए गए, ये डायग्राम का इमेज भी यूज की गई है और इसके अंदर टेक्स्ट भी यूज किया गया। तो इस तरीके का जो डेटा है जो कि बुक्स प्रिंटिंग के अंदर ज़्यादा यूज किया जाता है किसी भी बुक को बनाने के लिए, तो वो हम इस पेज मेकर के अंदर आसानी से क्रिएट करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। और उसको हम इजीली यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेट करके एक अच्छे से सेटअप में उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, उसको ऑनलाइन PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट लेके हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ इक्वेशन जो है, हम मैथ सॉफ्टवेयर आता है मैथ टाइप के नाम से, उसके अंदर हम टाइप करते हैं और इनको यहाँ से कॉपी करके पेज मेकर की फाइल में पेस्ट कर देते हैं। इनमें काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, पाई, स्क्वायर, सिग्मा, अल्फा, बीटा, त्रिभुज, सारे ऐसे साइंस मैथ के सिंबल्स हैं जिनको हम नॉर्मली कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते। उसके लिए हम ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि हमने ये मैथ टाइप वाला सॉफ्टवेयर यूज करके काफ़ी सारे यहाँ पे सिंबल्स यूज किए हैं। और अगर आप वीडियो में ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैथ टाइप वाले सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो नया पेज है उसको और हमने पुरानी फाइल को दोनों को खोल लिया है, दोनों को स्वाइप करने के लिए हम कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। ये हमारी नई फाइल है जो हमने शुरू से इंसर्ट की थी, जिसके अंदर हम वर्किंग एरिया में काम करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नई फाइल के अंदर हमारा हेडर ऐड करेंगे, हेडर में कोई भी इमेज हो सकती है या फिर हमारा टेक्स्ट हो सकता है। तो हमने पुरानी जो फाइल सेव कर रखी है उसी फाइल का हेडर वहाँ से कॉपी करके नई फाइल में पेस्ट कर दिया और इसको ड्रैग करके हम इसको सेट कर देंगे। पेज नंबर के लिए दोस्तों RM टाइप करेंगे, RM के लिए हमें शॉर्टकट की यूज़ करनी है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस पी। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट पी करेंगे RM टाइप हो जाएगा, इसका मतलब है आपके पेज के अंदर जो फुटर था वहाँ पे पेज नंबर ऐड हो गए। फर्स्ट पेज पे देखो फर्स्ट नंबर आ गया, दो नंबर पेज पे दो, तीन पे तीन, चार पे चार, जितने भी पेज है चाहे 5 पेज है या 5000, जितने भी पेज है सब पे फुटर यानी पेज नंबर आ चुका है। और फुटर हमेशा हमें मास्टर पेज में जहाँ पे R लिखा हो उसी पेज में जाके डालना है, जिससे कि वो सभी पेज में सिक्वेंसली आ सके। कभी भी एक पेज में जाके आप फुटर नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको मास्टर पेज में करना होगा। और वैसे ही हेडर के लिए भी आपको सारी जो काम करना है, हेडर में जो भी डेटा डालना है वो हमें मास्टर पेज में ही डालना होता है। तो ये हमें सबसे हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हेडर फुटर है वो हमेशा मास्टर पेज में आके डाला जाता है, जो बीच के पेजेज 1, 2, 3, 4 उनमें नहीं डाला जाता है। उसके बाद दोस्तों हम कोई ना कोई डेटा टाइप करते हैं तो टाइप करने में भी टाइम लगेगा और टाइम सेविंग यानी अपना वीडियो लंबा ना हो, उसके लिए हम पुराने जो फाइल बनी हुई है पेज मेकर में क्वेश्चन पेपर उसी का डेटा यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आपका पेज एक ही पार्ट के अंदर है, पूरा सिक्वेंसली लाइन में चल रहा है, तो हम चाहते इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो भी हम कर लेंगे। इससे पहले आपको बता दूँ इस पेज एरिया के बाहर भी हम कोई डेटा टाइप कर सकते हैं, यानी जो बॉर्डर बना हुआ पेज का उसके बाहर भी हम कोई भी डेटा या टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन गलत होने पे उसमें डाउट होने पे उसको उठा के साइड में रख सकते हैं, जिससे कि बाद में हमें ज़रूरत पड़ने पे उसको वापस से उठा के पेज में इंसर्ट कर सके। ध्यान रखें जो भी डेटा हम इस पेज की बॉर्डर में टाइप कर रहे हैं वही प्रिंटिंग में आएगा, दूसरा नहीं आएगा। पेज को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए, दो कॉलम में डिवाइड करने के लिए शॉर्टकट की यूज करनी है आपको ऑल्ट प्लस एल प्लस सी। ऑल्ट प्लस एल प्लस सी करेंगे तो दो सेक्शन में आपका पेज डिवाइड हो गया, कॉलम 1 और कॉलम 2, बीच में आपको लाइन दिख रही है अलग अलग। तो जैसे ही हमें कोई भी टेक्स्ट हमने टाइप किया है
वो यहाँ से सेलेक्ट करके पॉइंटर टूल से देख सकते हैं। ये हमारा जो टेक्स्ट है अभी दोनों कॉलम में जा रहा है, हम इसको एक ही कॉलम में रखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, कोई भी टेक्स्ट हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे पेस्ट किया, तो देखो पहला क्वेश्चन हमने जो टाइप करके पेस्ट कर रखा है वो सिलेक्शन लगा रहा है और इस दूसरे क्वेश्चन का सिलेक्शन लगा रहा। तो ये हमेशा ध्यान रखा, जब भी मैटर टाइप करो तो वो एक ही सिलेक्शन में आना चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर फॉर्मेटिंग आसानी से हो सके। इसके लिए हम इसको कट करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन के लास्ट लाइन के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हमने सेकंड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से कट कर लिया और इसके जस्ट लास्ट लाइन में जाके फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे, देखो पूरा सिलेक्शन हो रहा है डेटा का। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका मैटर एक ही सिलेक्शन में चलता जाए, जिससे कि उसके ऊपर फॉर्मेटिंग आसान हो सके। और इस कॉलम के जो दो भागों में जा रहा है, ये दोनों कॉलम में, उसको आपको एक ही कॉलम में कर लेना इस तरीके से सिलेक्शन पर ड्रैग करते हुए। अब इसमें ध्यान रखना, जैसे ही एक करेंगे तो ये लाल कलर का ड्रॉप डाउन या एक पॉइंट्स आपको दिखाई देगा, इसका मतलब है कोई ना कोई मैटर इसमें भी नीचे हाइड हो रहा है। तो इसको हम माउस से ड्रैग करते हुए नीचे जाएंगे तो ये मैटर पूरा एक साथ आपका शो हो जाएगा। और अगर लाल निशान यहाँ पे लाइन के नीचे नहीं आ रहा तो मतलब आपका पूरा जितना मैटर था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम पुरानी फाइल से और बाकी के क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम नई फाइल के अंदर पेस्ट कर देते हैं, जिससे हम और चीज़ें इसके अंदर आसानी से सीख सकें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, MS Excel की फाइल भी इसमें ऐड कर रखी है। तो पेज मेकर में ऐसा नहीं है कि आप केवल टेक्स्ट ही यूज कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे MS Excel की फ़ाइल, पेज मेकर की फ़ाइल, कोरल ड्रा की फ़ाइल, कोई इमेज या डायग्राम, MS Paint की फ़ाइल, वो भी आप बना के इसमें ऐड कर सकते हैं, उनका यूज़ ले सकते हैं, वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें देखते हैं दोस्तों, ये जो पेज है जिसके अंदर हमारा मैटर जो है पेज की लाइन से बाहर चला जाता है, तो उसको हमें ऊपर करना होता है। इसके लिए सबसे पहले पॉइंटर टूल से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा और उसको माउस से ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद फिर से हमारे पास लाल निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज दिख रहा है, नया कॉलम है या नया पेज है, वहाँ पे आपको यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना, तो इससे हमारा मैटर पेस्ट हो जाएगा। अब देखो नया पेज हमारा आया, तो फिर सिंगल कॉलम आ रहा है, इसको दो कॉलम में डिवाइड करेंगे, वही तरीका है शॉर्टकट की, ऑल्ट प्लस एल प्लस सी, ऑल्ट प्लस एल सी से दोनों कॉलम में हमारा डेटा डिवाइड हो गया और इस तरीके से हम पेज मेकर की कोई भी इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।